नमस्कार दोस्तों, आज इस लेसन में आपको बताने वाला हूँ राग भैरवी के कॉर्ड्स। जिन कॉर्ड्स का मैं जिक्र इस वीडियो में करने वाला हूँ, ये बहुत ही प्रोफेशनल कॉर्ड है, यानी कि आपके हर एक गाने में यूज होने वाले कॉर्ड्स हैं। इन कॉर्ड्स के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग हारमोनी बजाते हैं, काफी समय से हारमोनी बजा रहे हैं, उनमें 99% जो लोग कॉर्ड यूज करते हैं वो राग भैरवी के गलत कॉर्ड यूज करते हैं। तो मैं पहले आप लोगों को आपके जैसे जो कोड आप लोग निकालोगे, यानी कि आप अपनी समझ के अकॉर्डिंग जो कोड आप बनाओगे, तो मैं पहले आपको उनके बारे में बताता हूँ, फिर मैं आपको सही कोड जो राग भैरवी के सही कोड है उनके बारे में बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले राग भैरवी में जैसे पता है चार स्वर कोमल होते हैं, रे कोमल, गा कोमल, धा कोमल, नी कोमल। और जो पूरा राग देखा जाए तो ठीक है, ये राग भैरवी। तो सबसे पहले सा का जो आप लोग कोड निकालोगे, आप अपनी समझ के आप निकालोगे सा गा पा, ठीक है। सा का कोड आप निकालोगे सा गा पा, और जो कोमल रे का कोड निकालोगे आप ये निकालोगे कोमल रे मा कोमल धा। और जो कोमल गा का कोड निकालोगे आप ये वाला निकालोगे गा पा नी। देन जो मा का कोड निकालोगे तो आप निकालोगे मा धा सा। लेकिन जो काम आपका फंसेगा वो आपका फंसेगा पा के ऊपर आके, क्योंकि पा का कोड बनाओगे तो वो कुछ लोग जो बनाएंगे वो ये बनाएंगे पा नी रे, ठीक है, ये गलत कोड है। देन उसके बाद जो आप धा का कोड बनाओगे तो बनाओगे धा सा गा। और नी का कोड बनाएंगे आप नी रे मा, ठीक है जी। देन सा का ता सप्तक के सा का सा गा। तो ये कोड असल में सही राग के कोड नहीं, हालांकि कोड ये भी सही है, बट राग के अकॉर्डिंग ये कोड सूट नहीं करते। वो कैसे, आप देखिए हर एक स्वर का जो साउंड है, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, ये जो साउंड है ना एक एक स्वर का, जैसे सा का साउंड है, जा कोमल रे की आवाज है, जा कोमल गा की आवाज है, ये उस कोड में झलकना चाहिए, उस कोड में दिखाई देना चाहिए। अगर वो उस कोड में नहीं दिखाई दे रहा तो समझ लीजिए आपका वो कोड गलत है। जैसे कि अब देखिए, तो यहाँ पे जो सा का कोड लोगे आप लगाओगे तो सा का पर लगाओ सा, ठीक है, जो मुझे सुनने में प्रतीत हो रहा है कि ये जो कोड्स है ना ये ऊंची आवाज के लिए, यानी कि शार्प साउंड दे रहे हैं, है ना। हालांकि कोड सही है, बट ये जो साउंड दे रहे हैं वो प्रॉपर साउंड नहीं दे रहे हैं। अब मैं आपको अपने वाले कोड बताता हूँ। देखिए जो ओरिजिनल कोड है, जो सही कोड है राग भैरवी के, जो आपके हर एक गाने में अप्लाई होते हैं, तो वो कोड है सा के लिए हम यूज करते हैं गापा सा। ठीक है, मतलब कि कोड की जो आपके स्वर की आवाज है ना, जैसे सा का जो कोड है, जो सा की आवाज है वो उस कोड में दबनी नहीं चाहिए, है ना। अगर आप सा गा पा लगाओगे तो सा, वो उस कोड में आवाज दब रही है, लेकिन जो मैं लगा रहा हूं उसमें आवाज दब नहीं रही है। आप ध्यान से सुनोगे तो आपको साफ यही सुनाई देगा, भले मैं तीन स्वर दबा रहा हूं बट जो आवाज निकल के आएगी वो सा की ही निकल के आएगी, ठीक है। नहीं, इसी तरह अगर कोमर रे का कोड देखा जाए तो बनेगा कोमर रे, सॉरी मा कोमल धा और कोमल रे। और जो गा का कोड बनेगा पा कोमल नी गा, ठीक है जी। और जो मा का सही कोड बनेगा वो बनेगा धा सा मा, ठीक है जी। पा का जो सही कोड बनेगा पा सॉरी सा गा पा। उसके बाद जो धा का सही कोड बनेगा वो बनेगा सा गा धा, है ना। मैंने जैसे कि आपको कहा कि उस स्वर की आवाज झलकनी चाहिए उस कोड में, है ना। अभी नी का देखिए, नी का जो सही कोड है वही बने तार सप्तक का सही कोड है,
दफा मैं सारे कोड रिपीट करता हूँ। सा का कोड है गापा सा, गा मंदर सप्तक है, पा भी मंदर सप्तक है और सा मध्य का है। ये सा का सही कोड है गापा सा। उसके बाद रे का जो सही कोड है मा नी रे। गा का जो सही कोड है पा नी गा। ये दो स्वर पा और नी मंदर सप्तक है और जो गा है वो मध्य सप्तक है। जो सा का सॉरी मा का जो सही कोड है वो है धा सा मा, जिसमें खाली जो धा है वो मंदर सप्तक है, सा और मा वो मध्य सप्तक है। पा का जो सही कोड है सा गा पा, ठीक है जी। और जो धा का सही कोड है सा गा धा। जो नी का सही कोड है रे मा नी। और उसके बाद जो आखिरी कोड है सा का वो है गापा सा। सो आपको इन कोड्स का प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने से आपको ये कोड याद हो जाएंगे, फिर आप इनको किसी भी गाने में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि जिस स्वर के ऊपर आके गाना रुकता है उस स्वर का कोड लगता है। जैसे अभी मैं एक एग्जाम्पल के लिए गाना लेता हूँ, स्वर के ऊपर गाना रुक रहा है उसी, अगर गाना सा के ऊपर रुक रहा है तो सा का कोड, गाना गा के ऊपर आके रुक रहा है तो गा का कोड, मा के ऊपर आके रुक रहा है तो मा का कोड, और अगर पा के ऊपर रुक रहा है तो पा का कोड। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर जो लोग सीखना चाहते हैं कि सही तरीके से कोड कैसे निकालने जाते हैं, कोई कि कैसे आप किसी भी गाने के कोड बजा सकते हैं, खुद से निकाल सकते हैं, किसी भी राग के कोड आप खुद बना सकते हैं, तो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। सीखे बिना कोई भी चीज आपको हासिल नहीं होती, ठीक है जी। तो कोशिश करिए, अच्छा सीखिए और अच्छी जानकारी इकट्ठी करिए और अच्छा बजाइए और अच्छा गाइए। सो नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिए। सो आने वाले क्लासेस में आपके लिए कुछ और रागों के सही कोड लेके आऊँगा जो आपको नहीं पता होता, सो जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी आपको कोई भी गाना बजाने में, और किसी भी गाने को कॉर्ड के साथ बजाने में और प्लस उसको गाने में। धन्यवाद। नमस्कार, शुक्रिया।